जब किसान खाद लेने के लिए दर दर भटक रहा हो, घंटों लाइन में खड़ा हो, ओवर रेट में खाद खरीदने को मजबूर हो और पुलिस की लाठी भी खा रहा हो, ऐसे समय में यदि कृषि मंत्री मॉडल्स के साथ रामबॉक करते नजर आए तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, यही हकीकत है। मध्य प्रदेश की जहाँ किसानों की समस्या से लापरवाह मंत्री जी रैंप वॉक का आनंद लेते नजर आए। पहले आप ये वीडियो देखें। ये रैंप वॉक करने वाले शख्स मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, जो मॉडल्स के साथ रैंप वॉक करते हुए आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें बुराई क्या है? जी, बुराई बिल्कुल नहीं, लेकिन जनाब कृषि मंत्री हैं और इस समय मध्य प्रदेश के किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, तो अब आप बताएं कि कृषि मंत्री की जिम्मेदारी क्या है। मंत्री जी की प्राथमिकता किसानों को खाद समय पर उपलब्ध कराना होनी चाहिए, लेकिन मंत्री जी को शायद किसानों की समस्या सुनने की फुर्सत ही नहीं है और खाद की लाइन में लगा किसान किस तरह लाठी खा रहा है यह भी देख लीजिए। बीजेपी सरकार खाद सही कीमत पर उपलब्ध कराने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। डीएपी हो या यूरिया, किसानों को मजबूरन ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। किसान की परेशानी एक किसान की जुबानी आप ही सुन लीजिए। हमारे बगल के रिश्तेदार हैं मुरैना जिले के, ये खाद लेने के लिए आए थे, खाद नहीं मिल रहा था, तो जो 1200 का डीएपी का रेट है सरकार की, वो 1400 में मिली है, 1400 का कट्टा मिला है, और जो 300 की रेट का यूरिया मिला है वो उसकी रेट है। इस देश में जहां एक ओर किसान को मंच से अन्नदाता कहकर सम्मानित किया जाता है, तो वहीं जमीनी स्तर पर मंत्री जी कैसे किसान की बेइज्जती करते हैं, इस हकीकत को भी आप देख लीजिए। मामला भिंड मध्य प्रदेश का है, जहां शिवराज सरकार के होनहार मंत्री ओपीएस भदौरिया किसान को हट दिखता नहीं, कलेक्टर से बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति है क्या, ऐसे शब्दों से बेइज्जत करते नजर आ रहे हैं। ये सब घटनाएं बता रही हैं कि मंत्री जी अपनी ऐठ में हैं, अपनी मस्ती में हैं। जरूरत पड़ने पर मंच से बड़ी बड़ी बातें जरूर कर लेंगे, लेकिन जब किसान अपनी मूल समस्या से परेशान होगा, उसे धुतकार दिया जाएगा या पुलिस की लाठियों से उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। किसान आंदोलन के बीच जिम्मेदार मंत्रियों की ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, क्योंकि किसान अभी शायद खामोश हो, लेकिन आगामी चुनाव में इसी किसान के वोट की आवाज इन मंत्रियों के कान खड़े कर देगी। डीवी लाइव के लिए गजेंद्र एंगले की रिपोर्ट।